हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्टडी बाय टेक। आपका मेरे चैनल स्टडी बाय टेक में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ करंट अफेयर्स 23 अप्रैल 2018 के हिंदी में, करंट अफेयर्स 23 अप्रैल 2018 इन हिंदी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप मेरा चैनल लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट भी कर सकते हैं आप। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपके लिए करंट अफेयर्स हमेशा लाता रहता हूँ, डेली लाता रहता हूँ, और आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स जो होते हैं उससे रिलेटेड कई सारे वीडियोस हैं वो आपके काम में आ सकते हैं, तो उसे आप देख सकते हैं। और ये चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टाटा में शामिल होने के लिए पूर्व विदेश मंत्री सचिव जयशंकर, मतलब टाटा में शामिल होंगे पूर्व विदेश सचिव जयशंकर, ठीक है। टाटा संस ने टाटा समूह के अध्यक्ष ग्लोबल कॉरपोरेट अफेयर्स के रूप में एस जयशंकर की नियुक्ति की घोषणा की है। जयशंकर 1977 में IFS में अपने करियर के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए सिंगापुर के उच्च आयुक्त, चीन और अमेरिका के राजदूत के रूप में स्टंट शामिल थे। मतलब उस समय, मतलब इन्होंने ये 1977 बैच के IFS ऑफिसर हैं। इन्होंने कई जगहों पे कार्यभार किया है, अमेरिका में, चीन में हैं, और इन्होंने उच्चायुक्त के तौर पे, मतलब जो राजदूत होते हैं ना वहाँ पर, उसके तौर पे इन्होंने काम किया है। जयशंकर टाटा कंपनियों के साथ काम करेंगे ताकि वे वैश्विक स्तर पर अपने संबंधित भौगोलिक क्षेत्र में अपनी व्यावसायिक अधिस्थिति को मजबूत कर सके। तो ये है कि अब जयशंकर है ना, अपना टाटा संस ने इनको इसलिए हायर किया है ताकि इनके अनुभव, एस जयशंकर के अनुभव का वो लाभ उठा सके। भौगोलिक क्षेत्र का जो इनको जानकारी है, जैसे अमेरिका में है, चीन में, जहाँ पर इनकी नियुक्ति हुई थी वहाँ पर इनके इनको बहुत जानकारी है, तो टाटा संस ने इसलिए इनको रखा है। और जयशंकर तभी इनके टाटा संस में काम करेंगे अब। और ये अभी अभी रिटायर हुए हैं। अब कौन आए हैं विदेश सचिव? अब आए हैं विजय गोखले, विदेश सचिव हैं, अभी अभी नए नियुक्त हुए हैं। तो चलिए अगले। महात्मा गांधी के चंपारण आंदोलन पर किताबें। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 1917 के महात्मा गांधी के चंपारण आंदोलन के आधार पर 3 किताबें जारी की हैं। उन्होंने मिस्टर एम के गांधी की चंपारण डायरी, चंपारण आंदोलन 1917 और पीर मोहम्मद मुनीस कलाम का सत्याग्रह नामक पुस्तकें जारी की। चंपारण आंदोलन को महात्मा गांधी द्वारा प्रेरित पहले सत्याग्रह आंदोलन के रूप में स्वीकार किया जाता है। तो महात्मा गांधी, ये महात्मा गांधी के ऊपर किताबें लॉन्च की हैं श्री नीतीश कुमार जी ने, जो बिहार के सीएम हैं। ये किताबों का नाम तो आपको मैं बताता हूँ। उन्होंने मिस्टर एम के गांधी की चंपारण डायरी, चंपारण आंदोलन 1917 और पीर मोहम्मद यूनिस कलाम का सत्याग्रह नामक पुस्तकें जारी की है। तो ये है पुस्तकें। बुक्स से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आते हैं हर एग्जाम्स में, जो आपके एग्जाम के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। और याद रखिएगा, जो आज के रामनाथ कोविंद हैं, रामनाथ कोविंद, वो पूर्व राज्य के, बिहार राज्य के राज्यपाल रहे हैं, वर्तमान में वो राष्ट्रपति हैं। चलिए आगे करते हैं, आगे चलते हैं। पेटीएम भुगतान बैंक 100 केवाईसी जे पंजीकृत करता है। पेटीएम पेमेंट बैंक का दावा है कि अब इसमें 100 मिलियन से अधिक केवाईसी पंजीकृत वॉलेट है, जिनमें पूर्ण और न्यूनतम दोनों केवाईसी शामिल है। यह विकास तब भी आता है जब मोबाइल वॉलेट
उपयोगकर्ता में तेज गिरावट के डिजिटल भुगतान उद्योग में संकेत हुए हैं, क्योंकि ग्राहक प्रमाणीकरण बंद नहीं हुआ है। पेटीएम भुगतान बैंक का स्वामित्व पेटीएम संस्थापक विजय शर्मा द्वारा 51% और 197 कम्युनिकेशन द्वारा 49% है। तो इसमें आएगा केवाईसी होता है नो योर कस्टमर। केवाईसी का फुल फॉर्म होता है नो योर कस्टमर। आप जब भी कोई चीज़ खरीदते हैं, जैसे मोबाइल कार्ड लेते हैं, मोबाइल का सिम लेते हैं, या कोई बैंक खाता खुलवाते हैं, तो आपको केवाईसी करवाना अनिवार्य होता है। केवाईसी के लिए अब ये पेमेंट ये जो पेमेंट बैंक है पेटीएम, इसने भी बहुत मतलब 100 मिलियन इन्होंने वो किया, केवाईसी किया है, पंजीकृत किया है अपने कस्टमर्स के। केवाईसी के बारे में इन्होंने पूरा डिटेल में ध्यान से पूरा केवाईसी को पूरा फॉलो किया है, जो एज पर रूल्स होते हैं। और इसमें एक बात और याद रखने वाली है कि पेटीएम बैंक का स्वामित्व श्री विजय शर्मा के हाथ में है, 51% उनकी हिस्सेदारी है, मेजोरिटी शेयर होल्डर, और 197 कम्युनिकेशन हिस्सेदारी 49% है। ये 197 जो है कम्युनिकेशन कंपनी, ये विदेशी है, तो इन्होंने साझा किया है पेटीएम का साथ। इनका जो विजय शर्मा और 197 कम्युनिकेशन ने मिलकर ही पेटीएम की स्थापना की है। तो चलिए आगे करते हैं। दुनिया की पहली महिला विदेश मंत्रियों की बैठक। कनाडा और यूरोपीय संघ सितंबर में दुनिया की पहली महिला विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। लगभग 30 देशों के महिला विदेश मंत्रियों को सभा में आमंत्रित किया जाएगा, जिसका लक्ष्य महिलाओं के सशक्तिकरण पर वैश्विक चर्चा को गहरा बनाना है। बैठक 21 सितंबर को कनाडा में 2 दिनों से शुरू होगी। तो कनाडा में होगी दुनिया की पहली विदेश मंत्रियों की बैठक, पहली महिला विदेश मंत्रियों की बैठक। तो हमारी जो विदेश मंत्री हैं वो है सुषमा स्वराज, विदिशा से वो सांसद है, और कनाडा में होगी। कनाडा के कनाडा के जो सीएम है, जो है अभी वो भारत की यात्रा पर थे, जस्टिन ट्रूडर, और उनके साथ उनकी वाइफ भी आई थी। तो एग्ज़ाम में ये पूछा जा सकता है कि दुनिया की पहली विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ होगी या कहाँ हुई, तो इसका आंसर है कनाडा में। और ये दो दिन तक चलेगी ये पूरी बैठक। और कब होगी, कितने देश इसमें भाग लेंगे, 30 देश के महिला विदेश मंत्रियों की सभा होगी। ये होगी 21 सितंबर को कनाडा में, 21 सितंबर को होगी। तो ऐलान अभी से कर दिया गया है, 21 सितंबर से महिला विदेश मंत्रियों की बैठक होगी कनाडा में। मारियो बेनिटेज पराग्वे के अध्यक्ष के रूप में चुने गए, मींस मारियो बेनिटेज पराग्वे के राष्ट्रपति के रूप में चुने गए। कंजर्वेटिव पूर्व सीनेटर मारियो अब्दो बेनिटेज को पराग्वे के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया है। बेनिटेज ने अपनी मुख्य प्रतिद्वंदी इफ्रेन एलीग्रे के लिए 72.74 की तुलना में 40.44 वोट प्राप्त किए हैं। और वह तानाशाह अल्फ्रेडो स्ट्रोसनर के स्वर्गीय निजी सचिव के पुत्र हैं, जिन्होंने 35 वर्षों तक पराग्वे पर प्रशासन किया था। तो ये पूछा जाएगा कि जो ये पराग्वे के राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं, अभी चुने गए हैं, तो वो है मारियो बेनिटेज। और किसको पराजित किया है इन्होंने किया इफ्रेन एली ग्रे
इफ्रेन एलग्रे लेग्रे इफ्रेन एलिग्रे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत पश्चिम बंगाल के दिगंबरपुर ग्राम पंचायत को देश के सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत के लिए केंद्र का पुरस्कार मिला है। देश में 2.5 लाख ग्राम पंचायतों में से केंद्र सरकार ने 1000 का चयन किया था और अपना कार्य देखा था। राज्यों में ग्राम रोजगार पैदा करने में पश्चिम बंगाल राज्य में शीर्ष पर है। तो जो सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत का अवार्ड किसे मिला है, यह पश्चिम बंगाल की ग्राम पंचायत है दिगंबरपुर, दिगंबरपुर तो उसको मिला है। और 2.5 लाख ग्राम पंचायतों में से सिर्फ 1000 का चयन किया गया था, उसमें दिगंबरपुर को ग्राम पंचायत को शीर्ष मतलब टॉप का स्थान मिला है केंद्र की तरफ से। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है और ये ग्राम पंचायत का जो ये जो ग्राम पंचायतें हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। और ग्राम पंचायतों को जो रखा गया है वो 40A के तहत रखा गया है, 40A के तहत आर्टिकल। नायडू ने CJI के खिलाफ अपील की सूचना को खारिज कर दिया। तो इम्पीचमेंट का आज का जो मेन टॉपिक है वो उस पे ये हेडलाइंस है। राज्यसभा अध्यक्ष एम वेंकैया नायडू ने CJI दीपक मिश्रा की अपील के लिए विपक्षी दलों द्वारा दी गई नोटिस को खारिज कर दिया, जिसने लेखनीय योग्यता की कमी है। यह पहली बार है कि बैठे CJI के खिलाफ एक छेड़छाड़ नोटिस दायर किया गया है। नोटिस की अस्वीकृति गति के रखरखाव को निर्धारित करने के लिए ऐसे विशेषज्ञों के साथ परामर्श आयोजित करने के एक दिन के बाद आती है। तो मेन ये है कि जो हमारे CJI हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो वो है दीपक मिश्रा। तो हमारे जो उपराष्ट्रपति हैं एम वेंकैया नायडू, वो राज्यसभा के उपराष्ट्रपति हैं, राज्यसभा के अध्यक्ष हैं। तो विपक्षी दलों ने एक इम्पीचमेंट यानी कि महाभियोग का दावा पेश किया था 50 सांसदों के हस्ताक्षर लेकर। उससे ऊपर भी हस्ताक्षर थे, सांसदों से 50 सांसदों से भी ऊपर हस्ताक्षर थे, किंतु एम वेंकैया नायडू ने उसको अस्वीकार कर दिया, कहा कि ये न्यायालय के काम में दखल देना है विपक्षी दलों द्वारा, छेड़छाड़ है ये न्यायालय के साथ। तो उन्होंने आज सुबह ये इम्पीचमेंट यानी महाभियोग का फैसला रद्द कर दिया। उनके पास ये याचिका पड़ी हुई थी, वो एक दिन पहले ही तेलंगाना का दौरा छोड़कर वापस आ गए थे। इस पे उन्होंने विशेषज्ञों से बात की थी और आज इन्होंने फैसला सुना दिया कि ये मुकदमा ये महाभियोग नहीं चलाया जाएगा। और उन्होंने तल्ख टिप्पणी की थी विपक्षी दलों पे। विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस 2018। विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस 23 अप्रैल को यूनेस्को द्वारा आयोजित वार्षिक पढ़ने प्रकाशन और कॉपीराइट को बढ़ावा देने के लिए एक वार्षिक कार्यक्रम है। वर्ल्ड बुक कैपिटल फॉर वर्ल्ड बुक ऑफ कॉपीराइट डे 2018 एथेंस ग्रीस का शहर होगा। 2018 संस्करण का शीर्षक है पढ़ना यहाँ मेरा अधिकार है और यह मानव अधिकार की सार्वभौमिक घोषणा यह मानव अधिकार की सार्वभौमिक घोषणा की 70वीं वर्षगांठ मनाने का अवसर होगा। तो विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस मनाया गया 23 अप्रैल 2018 को। इसका शीर्षक क्या था?
इसका शीर्षक था पढ़ना यह मेरा अधिकार है और यह मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की 17वीं वर्षगांठ मनाने का अवसर होगा। पढ़ना यह मेरा अधिकार है, इसका शीर्षक है पढ़ना यह मेरा अधिकार है और यह 17वीं वर्षगांठ मनाने का अवसर है। तो आपसे पूछा जाएगा 23 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, तो यह मनाया जाता है विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस। किसके द्वारा मनाया जाता है? यूनेस्को यूनेस्को यूनेस्को। राफेल नडाल ने मोंटे कार्लो मास्टर्स टाइटल जीता। विश्व नंबर वन राफेल नडाल ने मोंटे कार्लो मास्टर्स फाइनल में अपने 31वें मास्टर्स खिताब जीतने के लिए जापान के निशी कोरी को 6-3-6-2 से पराजित किया। नडाल ओपन युग में भी 11वें खिताब जीतने वाले पहले व्यक्ति बने। इसने उन्हें 76वां खिताब दिया और यह सुनिश्चित किया कि स्पेनर रोजर फेडरर से पहले अपनी शीर्ष रैंकिंग रखता है। तो राफेल नडाल ने मोंटे कार्लो मास्टर्स जीत लिया है। किसको हरा कर जीता है? ये निशिकोरी को हरा कर जापान के निशिकोरी को हरा कर जापान के निशिकोरी को हराकर राफेल नडाल ने मोंटे कार्लो मास्टर्स जीत लिया है और ये उनका 11वें खिताब जीतने वाले वो 11वें खिताब है ये जीत के ओपन युग ओपन एरा के वो 11वें खिताब जीतने वाले पहले व्यक्ति बने हैं और ये इनका 76वां खिताब है ये इनका 76वां खिताब है। तो आपके सामने क्वेश्चन आ सकता है कि एक उनका कौन सा खिताब है, ये 76वां खिताब है। मोंटे कार्लो मास्टर्स किसने जीता? तो वो जीता रोजर फेडरर ने। ये उनके ओपन एरा का 11वां खिताब जीतने वाले पहले व्यक्ति बने हैं ओपन एरा के 11वें खिताब। ये फेमस है रोजर फेडरर, टेनिस में खेलते हैं ये लॉन्ग टेनिस। में 10 स्वर्ण पदक जीते। भारत ने नेपाल के ललितपुर में 8वें दक्षिण एशियाई जूडो चैंपियनशिप में 10 स्वर्ण पदक जीते हैं। भारतीय महिलाओं ने सभी 7 स्वर्ण पदक जीते जबकि पुरुषों ने व्यक्तिगत श्रेणी में कुल 7 स्वर्ण पदकों में से 3 जीते। मेजबान नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, भारत, पाकिस्तान और श्रीलंका के अलावा 3 दिवसीय चैंपियनशिप में भाग लिया था। तो भारत ने 10 पदक जीते हैं जिसमें से 7 महिलाओं ने जीते हैं स्वर्ण पदक और 7 स्वर्ण पदकों में से 3 जीते हैं पुरुषों ने। सात स्वर्ण पदकों में से पुरुषों ने कितने जीते हैं? 3। मेजबानी किसने किया है? नेपाल ने। कहां हुआ ये? नेपाल के ललितपुर में। नेपाल एक हिंदू राष्ट्र है, आप ये जान लीजिए। नेपाल एक हिंदू राष्ट्र है, भारत का पड़ोसी देश है और नेपाल हिंदू राष्ट्र है एक। तो आपको ये सब क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में, आप तैयारी कर लीजिए इसकी। तो फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, ये फ्री है। चैनल सब्सक्राइब करना फ्री है, इसमें कोई पैसा नहीं लगता। बस आपको नीचे वीडियो के नीचे रेड बटन है, उस पर क्लिक कर दीजिए और साथ में घंटी भी है, या आप उसे घंटा भी कह सकते हैं, तो उस पर भी आप क्लिक कर दीजिए ताकि कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आप वीडियो देख लिए। तो मैं आपके लिए करंट अफेयर्स के डेली डोज लाता हूँ, आप जाके प्लेलिस्ट में मेरी देख सकते हैं चैनल की। और
कई सारे वीडियोस हैं एग्ज़ाम से रिलेटेड, गवर्नमेंट जॉब एग्ज़ाम से रिलेटेड। सो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।